बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग फार्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको सिविल 3D के अंदर क्रॉस सेक्शन बनाने के मुतालिक पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा और पूरा प्रोसेस बताऊंगा। उस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सिविल 3D 2018 है। सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग को सेव कर लें, उसका प्रोजेक्ट का नाम दे दें। इधर इसको यूट्यूब सैम्पल के नाम से सेव कर देता हूँ, ताकि आपको आप भी अपने प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा आप इसके अंदर एंटर करके सबसे पहले ड्राइंग को सेव कर लें। आप इधर कॉर्नर पर देखेंगे हमारे पास सभी प्रोस्पेक्ट के ऊपर यूट्यूब जो ड्राइंग हमने यूट्यूब सैंपल के नाम से सेव किया उसका नाम आ गया। तो अभी मैं इस ड्राइंग के अंदर आपको पूरा प्रोसेस शुरू से बताऊंगा। सबसे पहले आपने पॉइंट्स को इंपोर्ट करना है। पॉइंट इंपोर्ट्स की वीडियो मैं पहले पूरी डिटेल में आपको बना चुका हूँ, मेरे चैनल वीडियोज़ में जाके आप उसकी पूरी डिटेल वर्किंग देख सकते हैं। तो आपने जैसे CSV फाइल जिस फॉर्मेट के अंदर भी होगी आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। ये मेरे पास PNZ डिस्क्रिप्शन के अंदर थी, ये लास्ट ऑप्शन है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे जिस फार्मेट की आपके पास फाइल है, तो आपने उधर से फार्मेट नीचे सेलेक्ट कर देना है और नीचे इसका पॉइंट ग्रुप इधर से क्रिएट कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आप इधर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने पॉइंट्स का ग्रुप का कोई भी नाम दे दें, XYZ में इधर से नाम दे देता हूँ। देने के बाद आपने इधर से इसको ओके कर देना है। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपके पास इधर पॉइंट्स इसके सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। जूम एक्सटेंड कर लें, जेड इंटर, ई इंटर, तो आपके सामने पूरी ड्राइंग जो भी फार पॉइंट्स की होगी वो सामने आपके ओपन हो जाएगी, जिस तरह इधर आपको नज़र आ रहा है। पॉइंट्स इंपोर्ट करने के बाद आप लेफ्ट साइड के ऊपर प्रोस्पेक्टर के अंदर आ जाएँ और सर्फिस का आपको इधर टैब नज़र आएगा। राइट क्लिक करके क्रिएट को क्लिक कर दें और टेन सर्फेस के ऊपर इधर रीनेम कर दें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, XYZ या ABC, जो भी आप प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना सर्फिस का नाम देना चाहते हैं दे दें। और नीचे इधर आने के बाद राइट क्लिक के ऊपर इधर से क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर कंटूर एंड ट्रायंगल आप इधर से ऑप्शन इसका सिलेक्ट कर दें और नीचे वाले ऑप्शन के अंदर भी सेम टू सेम आप इसी तरह कर लें। कंटूर्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, अलाइनमेंट के ऊपर मैं पूरी डिटेल के साथ पहले वीडियोस अलग-अलग बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के अंदर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप ओपन कर देंगे, आप देखेंगे आपके पास इधर टिन सरफेस जनरेट हो गई है। आपने नीचे डेफिनेशन के अंदर आ जाना है और इधर से पॉइंट ग्रुप को आपने क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड कर दें, ऊपर हमने XYZ पॉइंट्स का ग्रुप बनाया था, ये आपको नज़र आ रहा है। आपने जैसे उसको ऐड करके ओके कर देना। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने सरफेस जनरेट हो जाएगी इधर। तो उसके बाद आपने सरफेस को राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टी के अंदर आना है और कंटूर वाले कॉलम के अंदर आ जाना है। इधर से कंटूर एंड इंटरवल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इधर से आप मैनुअल अपना कंटूर का डिस्टेंस दे दें 0.5, 0.20 अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो आप देखेंगे आपकी इधर कंटूर लेंस भी ड्रा हो गई है। तो आपने इसी तरीके से पॉइंट इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपने इसकी टिन जनरेट सरफेस बना देनी है। उसके बाद आपने अपनी जो सरफेस बनाई थी इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी के अंदर आ जाना है और इधर से आपने इसकी डिस्प्ले के कॉलम के अंदर क्लिक करके और इनकी लेयर्स को आपने ऑफ कर देना है। इधर से इसके टिंजरनेट और कंटूर्स वगैरह को इसी तरीके से पॉइंट्स नंबर और डिस्क्रिप्शन वगैरह की लेयर को भी आप इधर XYZ कॉलम के अंदर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी के अंदर क्लिक कर दें और इधर से आपने इसको नाउन कर दें। इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह आप इधर से ख़त्म कर दें। उसके बाद आगे हमने इसके ऊपर प्रोफाइल ड्रा करनी है, ताकि हमें उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इनके ऊपर काम करें। इसके सिलसिले में पूरी डिटेल वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ, आप इसकी पूरी मुकम्मल वर्किंग कर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अंदर जाने के बाद उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अलाइनमेंट वाले कॉलम के अंदर आ जाएँ और क्रिएट लेआउट अलाइनमेंट लेआउट को आप इधर से सिलेक्ट कर दें और करने के बाद ऊपर इसका नाम दे दें, ABC, XYZ, जो भी आपका रोड का नाम है, मेन रोड। डिस्क्रिप्शन में आप जो ऐड करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं लिख दें। नीचे आप देख रहे हैं जर्नल और डिज़ाइन क्राइटेरिया, डिज़ाइन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो उसे चेक इन कर दें। अगर आप जर्नल काम करना चाहते हैं तो उसको नॉन रहने दें। नीचे आप अलाइनमेंट स्टाइल देख रहे हैं, प्रपोज, बेसिक, एग्जिस्टिंग और इसी तरीके से हैं, तो आपने इसके अंदर से प्रपोज वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट कर देना है। नीचे ये आपका लेयर नाम आएगा सी रोड, इधर से आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। नीचे आपके पास लेबल सेटिंग है, इसके अंदर मुख्तलिफ लेबल्स लगे हुए हैं, ऑल लेबल्स को आप इधर सेलेक्ट करके इधर आप कॉलम के अंदर क्लिक करें तो ये आपके सामने इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये सारे स्टेशन वगैरह है, इधर से आप इसको रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इन सबको इधर से ख़त्म कर दें और ऊपर आ जाएँ सेंटर वाले कॉलम के अंदर। इधर से परपेंडिकुलर
विद लेंस को आप इधर सेलेक्ट करके इसको इधर ऐड कर दें और इसका व्यू आप देख लें इधर से, तो ये आप देखेंगे कि ये आपके सामने ये परपेंडिकुलर स्टेशंस वगैरह आ रहे हैं और इधर से आप इसके मुख्तलिफ कलर्स और मुख्तलिफ स्टाइल वगैरह सारा चेंज कर सकते हैं और पूरी इसकी डिटेल वगैरह बना सकते हैं। तो ये आपके मुख्तलिफ व्यूज़ इसके, आप इधर से प्रीव्यू जिसका भी देखना चाहेंगे वो आप इधर से कॉलम्स को सिलेक्ट करके उसका प्रीव्यू प्रोफाइल के स्टेशंस का दे सकते हैं। ऐड करने के बाद आप इसको दोबारा क्लिक कर दें और इधर से आप देखेंगे इसका स्केल साइज और सारा कुछ आप इधर से कलर इसका बाई लेयर कलर वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं इधर टेक्स्ट का, आप इधर से आने के बाद ये कलर वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके आप अपना स्टेशन के जो भी कलर आप देना चाहते हैं और जो भी साइज देना चाहते हैं दे दें, अप्लाई करके ओके कर दें और नीचे आने के बाद टैब को ओके कर दें तो आपके पास टैब ओपन हो जाएगी अलाइनमेंट लेआउट टूल्स की। इसके अंदर आपने सबसे पहले ड्रा टेंजेंट विद टेंजेंट के ऊपर आ जाना है। इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो आपने सेकंड ऑप्शन टेंजेंट विद कर्व्स को आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है और इधर अपनी आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से ड्रा करनी है। आप जिधर क्लिक करते जाएंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली उसकी कर्व्स वगैरह इधर लगती जाएंगी। इसकी डिटेल वीडियो अलाइनमेंट की मेरी सिविल 3D की अपलोड है, आप उसके अंदर से जाके इसकी पूरी वर्किंग और पूरा मेथड मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने बताया वो आप इधर से देख सकते हैं। अलाइनमेंट लगाने के बाद आप इसको इधर से चेक कर सकते हैं, उसको मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं, कर्व्स वगैरह को इनको आप मूव करा सकते हैं इसका। तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको अलग वीडियोज मैंने बनाई है, ये मैं क्रॉस सेक्शंस के लिए पूरी वर्किंग कर रहा हूँ ताकि स्टार्ट से आपको सही तरीके से समझ आए। सबसे पहले आपने पॉइंट्स इंपोर्ट करने हैं, उसके बाद टिन जनरेट करनी है, उसके बाद आपने अलाइनमेंट ड्रा कर देनी है। अलाइनमेंट के बाद आपने इधर से इसकी नेक्स्ट डोर पे हमने इसकी प्रोफाइल्स वगैरह को इधर से करना है, तो आपने ऊपर प्रोफाइल वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है और इधर से क्रिएट सरफेस प्रोफाइल को आपने सबसे पहले क्लिक करना है। तो इधर से ये सबसे ऊपर जो होएगा क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, इधर से आपके सामने ये आपके पास सरफेस जो अलाइनमेंट का नाम आ जाएगा और साइड के ऊपर सरफेस नेम, इधर से स्टार्ट और एंड जो आपने अभी अलाइनमेंट हमने वर्टिक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लगाई है उसका एंड और स्टार्ट आ जाएगा। आपने इधर से ऐड कर देना है इसको। नीचे ड्रा प्रोफाइल व्यू आपको नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर सेलेक्ट अलाइनमेंट नाम आ जाएगा, इधर से आप प्रोफाइल का नाम दे दें ABC प्रोफाइल, जो भी आप प्रोफाइल देना चाहते हैं अलाइनमेंट के हिसाब से। नीचे डिस्क्रिप्शन है और नीचे इसी तरीके से प्रोफाइल का पूरा व्यू जा रहा है, तो आपने इधर से प्रोफाइल व्यू को आपने इधर से क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपने इधर से नेक्स्ट करना है और इधर से स्टार्ट और एंड आईडी आपने इधर से सेलेक्ट कर देनी है। इसके नीचे आपने चेंज भी कर सकते हैं, इसी तरीके से एलिवेशन व्यूज़ हैं इसके, और इधर से आपने इसके बाद आपने क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर आपने इधर से क्लिक करना है और नीचे मुनासिब जगह देख के अपने प्लान के ऊपर आपने नीचे इसकी प्रोफाइल सरफेस प्रोफाइल को ड्रा कर देना है। तो ये हम आप देख सकते हैं कि आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी सरफेस प्रोफाइल आ जाएगी, जो टिन जनरेट के हिसाब से उसने नसल ऑटोमेटिकली इधर प्रोफाइल के ऊपर उन्हीं स्टेशन के ऊपर उन्हें ले लेनी है। उसके बाद आपने प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एलिवेशन आ रहे हैं, तो आपने इधर से यूज़ स्पेसिफाई हाइट के ऊपर क्लिक करना है। उधर से अपने एलिवेशंस के जो आपके पास प्रोफाइल का जो व्यू है आप इसको उधर से चेंज करना चाहते हैं, उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा के इसके एलिवेशंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी, तो आप इनके एलिवेशंस को इधर से उसके टेबल्स वगैरह को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। करने के बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास इधर उसका सरफेस प्रोफाइल का ग्राफ या ग्रिड लाइंस वगैरह हैं, उसकी हाइट बढ़ गई और नीचे एलिवेशंस वगैरह भी उसी हिसाब में ऊपर आ गए हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल को इधर लगाना है, तो आपने इसी तरह उसके बाद आप ऊपर दोबारा प्रोफाइल वाले कॉलम के अंदर आ जाएँ, जिसे क्लिक करें और प्रोफाइल क्रिएशन टूल इसको आप इधर से क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद सरफेस प्रोफाइल को इधर से सिलेक्ट कर दें। आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा अलाइनमेंट ABC, आपने प्रोफाइल का नाम दे देना है ABC प्रोफाइल डिज़ाइन प्रोफाइल, आप इसका नाम इधर से दे दें और इसी तरीके से इसका अंदर आपने ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल के कॉलम को आपने सेलेक्ट कर देना है और नीचे लेबल्स एंड टूल्स को आपने इसी तरीके से सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, आपने फर्स्ट कॉलम के अंदर आ जाना है और टेंजेंट विथ कलर्स को आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल डिज़ाइन प्रोफाइल इधर ड्रा करनी है। डिज़ाइन प्रोफाइल की वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर मैंने आपको चार मेथड बताए थे उस वीडियो के अंदर कि चार मेथड के अंदर से आप प्रोफाइल को ड्रा कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं वो आप वीडियो इधर से देख लें। इधर मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए क्रॉस सेक्शंस के लिए बता रहा हूँ कि आपने ये वीडियो
अपने प्रोफाइल को कैसे ड्रा करना है, तो आपने इस तरीके से क्लिक करते हुए उसकी डिज़ाइन प्रोफाइल को ड्रा कर लेना है। उसके ऊपर इसकी पूरी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, वर्टिकल कलर्स वगैरह वो आप इधर से चेक कर सकते हैं। और मेरी वीडियो के चैनल वाले कॉलम के अंदर चले जाएं और सिविल 3D प्लेलिस्ट को आप ओपन करके उधर से वो सारी वीडियोज़ को आप इधर से देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इधर इसके कलर्स वगैरह को आप इधर से बना सकते हैं और उसके मुख्तलिफ टूल्स वगैरह की पूरी डिटेल वर्किंग आप उधर से देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने फाइल और प्लान हमने दोनों से ड्रा कर दिए हैं। उसके बाद आपने असेंबली को क्रिएट करना है, आपने असेंबली वाले कॉलम के अंदर आ जाना है और इधर से आपने असेंबली का नाम दे देना है सेक्शन ए असेंबली। तो असेंबली की भी वीडियो मैं आपको बना के अपलोड करके उसके तरीक़ेकार आपको बता चुका हूँ। इधर मैं आपके पास डिज़ाइन के हिसाब से असेंबली के मुतालिक बताऊँगा कि आपने उसको कैसे असेंबली को इधर लगाना है, उसको ड्रा करना है। तो आप इधर से इसी तरीके से असेंबली आप इधर से लगा दें। लगाने के बाद आप इसको इधर से क्लिक कर दें और ऊपर देखेंगे टूल पैनल आपके सामने आ जाएगा। इधर आपके सामने हमारे पास इधर असेंबलीज बनी हुई हैं सारी, तो मैं इधर से एक असेंबली को पिक करके इसके ऊपर लगाऊँगा। लगाने के बाद इसी असेंबली को मैं इधर से एडिट कर दूंगा। बाकी असेंबली की डिटेल वीडियो आप मेरी असेंबली वाली वीडियो के अंदर पूरी तरीके से देख सकते हैं। असेंबली आप ये बेसिक असेंबली मैंने लगाई है, आप इधर से उसको सिलेक्ट कर दें और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएं और इधर से इसकी विड्थ वगैरह आप चेंज कर दें, जो कि आपके टिपिकल सेक्शन के ऊपर दी गई है 10 मीटर रोड की विड्थ है, तो आप 10 मीटर कर दें। आपकी पेमेंट की जो स्लोप है 2.5% जितनी भी है आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इधर से 2.5 कर दूंगा। इसी तरीके से पेमेंट एस्फाल्ट वेयरिंग कोर्स की विड्थ मेरे पास 0.050 है, 50 mm है, वो इधर से मैं एंटर कर दूंगा। इसी तरह एस्फाल्टिक बेस कोर्स की थिकनेस मेरे पास 0.075 है, वो एंटर कर दूंगा। उसके बाद नीचे बेस या वाटर बाउंड उसकी जो आपके पास थिकनेस जा रही है 0.30 की, वो आप इधर से एंटर कर दें। इसी तरीके से सब बेस की जो थिकनेस है 0.30 या 0.250 जो भी आपके पास डिज़ाइन के अंदर दी गई होगी वो आप इधर से उसके अंदर एंटर कर दें। तो ये आपके सामने असेंबली का पूरा आपकी जो लेफ़्ट साइड का जो पैनल होगा वो पूरा उस हिसाब में आ जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड वाले आपने पेव्ड एरिया को आपने सेलेक्ट करना है और सेम टू सेम वही प्रोसेस आपने इधर कर देना है। उसकी विड्थ वगैरह जो आपने लेफ्ट साइड के ऊपर लगाई थी वही आपने राइट साइड के ऊपर लगा देनी है। अगर आपके पास राइट और लेफ्ट के डिज़ाइन अलग-अलग हैं तो आप इधर से उसकी थिकनेस और उसकी डेप्थ वगैरह पेवमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर की इधर से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसी तरीके से ये आप इधर से अपने डिज़ाइन स्ट्रक्चर को आप इसकी विड्थ वगैरह दे सकते हैं, इसके साइड पर कर्व स्टोन वगैरह जो आपके सामने है वो आप इधर से लगा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी डे लाइट, इसकी स्लोप जो है साइड स्लोप हमारे पास फिलिंग और कट दोनों की, आप इधर से इसको सिलेक्ट कर दें और करने के बाद आप इसको नीचे आ जाएं तो ये आप देखेंगे इधर आपके पास कट स्लोप फिल स्लोप 4-in-1 की है। अगर आपके पास डिज़ाइन के अंदर जो स्लोप है 2-in-1 की है तो आपने कट एंड फिल के अंदर उसकी वही स्लोप्स को आपने इधर से एंटर करके इनको चेंज कर देना है कट, और बाकी आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर अपने टिपिकल सेक्शन के हिसाब से आप इधर से इसका एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपने लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाना और सेम टू सेम वही चेंजिंग आपने इधर उनके स्लोप्स के साथ इधर 4% की है तो आपने इधर से 2-in-1 की स्लोप उधर से कर देनी है और स्लोप्स को आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टिपिकल सेक्शन के अंदर आपको डिटेल दी गई हो आपके राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर उसके अंदर ड्रेन्स वगैरह, तो आप सारी इधर बेसिक असेंबली के अंदर इधर आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो असेंबली देखें हमने बना दी है, सबसे पहले हमने इसके पॉइंट इंपोर्ट्स किए, उसके बाद टेन जनरेट की, उसके बाद अलाइनमेंट, उसके बाद सरफेस प्रोफाइल, उसके बाद डिज़ाइन प्रोफाइल, नेक्स्ट प्रोसेस था हमारा असेंबली का। और असेंबली के बाद अभी हमने इसके ऊपर कॉरिडोर के ऊपर आना है और सबसे ऊपर हमने कॉरिडोर अपने अलाइनमेंट के ऊपर लगाना है। कॉरिडोर वाले कॉलम को आप जैसे सेलेक्ट कर दें और उसका आप कोई भी नाम दे दें, CSD मैं जैसे नाम देता हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे बेसिक कॉलम है, इधर अलाइनमेंट आपकी आ जाएगी, इधर आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल को आपने जैसे सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल होगी। नीचे इसी तरीके से आपने असेंबली को सिलेक्ट कर लेना है, हमने बेसिक असेंबली उधर बनाई थी तो बेसिक असेंबली को आपने जैसे क्लिक कर देना है और नीचे आने के बाद अगर सरफेस को आपने जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह की टैब ओपन हो जाएगी। आपने जैसे अप्लाई करना है और रीबिल्ड दी
कॉरिडोर आपने जैसे उसको क्लिक करके ओके कर देना, तो आप देखेंगे जो आपने असेंबली बनाई थी उसी तरीके से वो असम कॉरिडोर आपका इधर अप्लाई हो गया। उसकी स्लोप्स वगैरह भी इधर सारी लग गई हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। हमारे पास चूँकि हमने एक ही असेंबली को यूज़ किया है तो इसी तरीके से वो हमारा जो कॉरिडोर बना है वो बेसिक असेंबली के ऊपर जो हमने बनाई थी उसके ऊपर ये पूरा कॉरिडोर बन गया है। क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमने इधर से सैम्पल लाइन्स की लगानी है। सैम्पल लाइन्स को आप इधर से क्लिक करके राइट क्लिक कर दें, इधर सर्फेस को आप ओके कर दें तो आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा क्रिएट सिंपल लाइन ग्रुप का। आप इधर से सैंपल लाइन का आप नाम दे दें जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैं इधर से सैंपल वन उसका नाम कर दूंगा। उसके बाद सैंपल वन लाइन ऊपर से आप सिलेक्ट कर दें और इसी तरीके से स्टेशन नेम और नीचे आपके पास सरफेस और कॉरिडोर वगैरह दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुए हैं। इसको आपने चेक इन रहने देना है। इसके बाद आपने इधर से ओके कर देना है। आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये आप देखेंगे कि आपके सामने आपके मॉडल के ऊपर पूरा व्यू इधर से एक लाइन के साथ कर रहा है। तो ये ऊपर आप देखेंगे सैंपल वन जो हमने इधर नाम दिया था आ गया। साथ वाले कॉलम के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस के नज़र आ जाएंगे। आप इसका नाम डिलीट करना चाहते हैं, एडिट ग्रुप को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ सैंपल लाइन क्रिएशन मेथड है आपके अंदर। इसके अंदर चार किस्म के मेथड नज़र आएंगे, बाई रेंज ऑफ स्टेशन, एड स्टेशन, फ्रॉम कॉरिडोर स्टेशन, पिक पॉइंट्स एंड सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पोली लाइन। तो आपने सबसे ऊपर बाई रेंज ऑफ स्टेशन को आपने जैसे क्लिक करना है। आपके सामने इधर एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं इधर ट्रू आपका स्टेशन रेंज लिखी हुई है। आप स्टेशन रेंज स्टार्ट और एंड को आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी जिधर से भी आप सिंपल लाइन मुख्तलिफ एरियाज की देना चाहते हैं वो स्टेशन आप इधर से इंटर कर सकते हैं। इधर लेफ्ट साइड विड्थ है आपकी, आपने इधर से इसकी विड्थ को इंटर करना है। आपने विड्थ को ये कोशिश करनी है आपकी विड्थ इधर से कॉरिडोर के बाहर जाए। तो मैं इधर से 40 मीटर की इसकी लेंथ राइट से लेफ्ट साइड के ऊपर और 40 मीटर की लेंथ लेफ्ट साइड के ऊपर मैं इधर इंटर कर दूंगा मैनुअल। आप भी अपने कॉरिडोर के हिसाब से इधर इंटर कीजिएगा। उसी तरीके से नीचे इसकी डिटेल्स है कि आपके इंक्रीमेंट अलॉन्ग टारगेट्स, इंक्रीमेंट अलॉन्ग करॉस स्पायरल और नीचे इसी तरीके से आप एडिशनल सैंपल कंट्रोल आप देख रहे हैं। तो ये सारे आपके पास फॉल्स हुए होंगे। आपने सबको इधर से इसको ट्रू कर देना है। ट्रू करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट इधर से कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको ओके करना है और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आपकी सारी लाइन्स हमारी सैंपल लाइन्स ड्रा हो गई हैं और ये सारी की सारी कॉरिडोर से बाहर हैं। तो ये आपने इसी तरीके से इसकी सैंपल लाइन्स वगैरह सारी लगा देनी और इसका ख्याल रखना है कि आपकी जो सैंपल लाइन लगे वो कॉरिडोर से बाहर उसकी विड्थ है उन लाइन्स की। उसके बाद आपने राइट क्लिक कर दें तो ये आपके सामने उसके स्टेशन वगैरह इसके ऊपर आ जाएंगे और ये आप अपना सैंपल लाइन का जो आपका मेथड था, जो तरीकाकार था, वो आप इस तरीके से इसकी सेंटर लाइन को आप लगाएंगे सैंपल लाइन्स को। उसके बाद नीचे क्रॉस सेक्शन व्यू का आपको टेबल नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपके पास क्रॉस सेक्शन मल्टीपल व्यू, क्रिएट क्रॉस सेक्शन व्यू और नीचे इसी तरीके से मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो आपने सेकंड नंबर सिंगल क्रिएट क्रॉस सेक्शन व्यू, सिंगल क्रॉस सेक्शन व्यू को आपने क्लिक करना है। आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा सिलेक्ट अलाइनमेंट। आपके पास अगर आपके पास मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हैं तो आप इधर से उसी के अलाइनमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपने इधर से उसकी सिंपल लाइन का जो ग्रुप था वो आपने इधर सेलेक्ट कर देना है और ये जो आप इधर देखेंगे तो ये आपके सामने जितनी आपके प्रोफाइल के स्टेशन या सिंपल लाइन आपने लगाई होगी उसके सबके स्टेशन इधर से आ जाएंगे। सपोज़ इधर मैं 0+400 वाले ऑप्शन को क्रॉस सेक्शन को मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ 0+400 का। नीचे क्रॉस सेक्शन का नाम देना चाहते हैं दे दें, डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे इसकी लेयर है और इसी सबसे ऊपर नीचे आपको इसका स्टेशन स्टाइल इस व्यू स्टाइल है तो आप इधर से क्रॉस सेक्शन ही रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट कर दें तो ये आपके पास उसके डिस्टेंस ऑफसेट की रेंज आ जाएगी। आप इसकी रेंज वगैरह मैनुअल चेंज करना चाहते हैं इधर से कर सकते हैं। इसी तरीके से एलिवेशंस वगैरह की रेंज है इधर से, इसको आप चेंज करना चाहते हैं करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे आपके पास उसकी प्रोफाइल ABC सरफेस और नीचे उसका कॉरिडोर वगैरह आए हुए हैं और ये दोनों क्लिक हुए हुए हैं। आप इधर से स्टाइल वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो ये आपको इधर से मुख्तलिफ स्टाइल नज़र आएंगे। इधर बेसिक सिलेक्ट हुआ हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका मेथड बताता हूँ कि बेसिक के अंदर क्या है। उसके बाद बाकी आपको इसके कोर्स के मुताबिक भी बताता हूँ मैं आपको। तो बेसिक को आप इधर से क्लिक करके ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊपर आपको इधर ऑफसेट नज़र आ रहा है सिलेक्ट हुआ हुआ, आप इसको ऑफसेट ही रहने दें इसके ऊपर। और नीचे आप देख सकते हैं कि आपके डिस्टेंस वाला टैब है आपके पास, तो आप ये आपके पास डिस्टेंस नीचे नज़र आ रहे हैं, इसको आप टॉप पे करना चाहेंगे तो ये टॉप पे चले जाएंगे और बॉटम पे करना चाहेंगे तो बॉटम पे। उसके बाद आपने क्रिएट क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्लिक करके किसी एक जगह के ऊपर प्लान के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने 0+400 वाला क्रॉस सेक्शन इधर हमारे पास ड्रा हो गया है।
और ये इसके पास साइड के ऊपर एलिवेशन और नीचे इसके ग्रेड लाइंस वगैरह और नीचे इसके डिज़ाइन एलिवेशन ऑफसेट और एलिवेशन ये आपको इधर से नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन का व्यू है। आप इधर से इसी तरीके से दोबारा आ जाएं क्रिएट क्रॉस सेक्शन के ऊपर और 0+400 का हमने बनाया था। इसी तरीके से आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर दें 400 को और नेक्स्ट काटने के बाद आप हमने इधर से पहले बेसिक को सिलेक्ट किया था, उसके बाद आल कोड्स को सिलेक्ट करके और इधर से क्रिएट क्रॉस सेक्शन को आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इधर आपके क्रॉस सेक्शंस वगैरह इसके चेंज हो गए हैं। इधर आपको स्लोप्स वगैरह उसकी साइडों के ऊपर नज़र आनी शुरू हो गई है और उसका ऑफसेट्स वगैरह इधर से चेंज हो गए हैं। इसके जो आल कोड्स की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो इसके अंदर अप्लाई हो गई है। इसी तरीके से दोबारा क्रिएट क्रॉस सेक्शन व्यू के अंदर आ जाए और 400 वाला क्रॉस सेक्शन आप इधर से चूज़ कर लें। करने के बाद नेक्स्ट कर दें और आल कोड्स के ऊपर आप आ जाए इधर से और मुख्तलिफ इसके कोड्स वगैरह कर दें। तो इधर से आपने सेक्शन कोड विद लेबल्स आप इधर से सेलेक्ट करके ओके करें और क्रिएट क्रॉस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो ये आप देखेंगे आपके सामने उसके कंप्लीट कोड्स वगैरह जो लगे हैं वो आ गए हैं और उसकी सेटिंग वगैरह अभी हम नीचे से इसकी करेंगे इसके क्रॉस सेक्शंस वगैरह की। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक क्रॉस सेक्शन को आप लगा के इसको चेक कर सकते हैं जिससे आप स्केल वाले कॉलम के अंदर आ जाएँ और जिससे स्केल आप 120 या 125 आप कर देंगे तो ये आप देखेंगे आपके सामने उसका सब बेस उसका एरिया वगैरह और उसके पूरे डिस्क्रिप्शन जो कि आल लेबल्स के साथ है तो वो अदर उसी तरीके से इसके ऊपर सामने आ गए। इसी तरीके से आप दोबारा क्रॉस सेक्शन व्यू के ऊपर चले जाएं क्रिएट क्रॉस सेक्शन के ऊपर 400 वाला क्रॉस सेक्शन मैं दोबारा इधर से सिलेक्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें आप इधर से और नेक्स्ट करने के बाद स्टाइल के अंदर आने के बाद व्यू एडिट को आप इधर से सिलेक्ट कर दें और व्यू एडिट सेलेक्ट करने के बाद ओके करके क्रिएट क्रॉस सेक्शन कर दें तो ये आप देखेंगे आपके सामने इसके ऊपर स्लोप्स वगैरह और इसके लेवल्स वगैरह सारे इसके जो इसके कोर्स थे और इसके एलिवेशंस वगैरह थे वो सारे के सारे इधर ड्रा हो गए हैं। आपने इसी तरीके से स्केल को इधर से चेंज कर देना है और चेंज करने के बाद आप देखेंगे तो ये आपके विजिबल व्यूज़ में आ जाएंगे। आप इसी तरीके से अपना फॉर्मेट इधर से चूज़ कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू के अंदर जाने के बाद क्रिएट क्रॉस सेक्शन के अंदर सबसे पहले जो भी क्रॉस सेक्शन आप बनाना चाहते हैं वो क्रॉस सेक्शन आप इधर से उसके सैंपल्स वगैरह इधर से उसके स्टाइल वगैरह चेक कर सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन है व्यू एडिट विद शेड्स तो आप इधर से ओके कर दें तो आप देखेंगे आपके दरमियान वाले आपके पास जो पेवमेंट के डिज़ाइन का सेक्शन था उसके बीच में इसके शेड्स वगैरह आ गए हैं। तो ये आप इधर से जो से भी क्रॉस सेक्शन जिस फॉर्मेट के अंदर जिस कोड के अंदर बनाना चाहते हैं वो आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। 4-5 व्यूज़ मैंने कोड आपको बताए हैं तो इसमें से सबसे ज़्यादा व्यू एडिट और व्यू एडिट शेड्स यूज होते हैं। आप इनमें से जो भी चॉइस कर सकते हैं। इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर आ जाएँ और ऊपर मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट मल्टीपल व्यूज़ को आप इधर से देख कर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर विंडो ओपन हो जाएगी सेम टू सेम उसी तरीके से। आपके पास ऊपर अलाइनमेंट नेम और सैम्पल लाइन इसी तरीके से स्टार्ट और एंड आईडी आपके पास जितनी आपके पास अलाइनमेंट है उसके बाद क्रॉस सेक्शन उसके बाद आप ये देखेंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर कि आपके पास इधर आपको टेम्पलेट प्रोड्यूस प्रोडक्शन यूज़ ए लेआउट फ्रॉम ए टेम्पलेट वगैरह वो आपको इधर से नज़र आ रही है तो आप नीचे ड्राफ्ट के अंदर आ जाएं ऊपर से टेम्पलेट को उसको ख़त्म कर दें। अगर आप टेम्पलेट रखना चाहते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें नहीं तो नीचे वाले ऑप्शन को आप इधर से सिलेक्ट करने के बाद इसके ग्रुप स्टाइल को आप इधर से बेसिक रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका डिस्टेंस का उसके बाद इसी तरीके से एलिवेशंस के इसको आप ऑटोमेटिक रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो ये आप देखेंगे आपके पास एबीसी और इसी तरीके से नीचे सीएसडी कॉरिडोर है तो कॉरिडोर में आप व्यू एडिट विद शेडिंग को आप इधर से सिलेक्ट कर दें और इधर से इसको ऑप्शन को आप इधर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें और इसी तरीके से ऑफसेट वगैरह इधर ऊपर जो ऑप्शन आपके सामने रहने दें। उसके बाद क्रिएट व्यू सेक्शन को आप क्लिक कर दें मॉडल के ऊपर किसी जगह के ऊपर आप इधर से इसको क्लिक कर दें। आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने टोटल क्रॉस सेक्शन आपके सारे एक ही दफ़ा में बन जाएंगे पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन। इसके लिए आपको किसी किस्म की अलहदा एफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आपके क्रॉस सेक्शन मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस वगैरह उसकी साइड स्लोप्स उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह सारी की सारी आपके सामने ये आ गई हैं। तो ये पूरे आपके जितनी अलाइनमेंट का सेक्शन आपने 00 से लेके 1950 तक के दिए थे तो सारे के सारे क्रॉस सेक्शन हमारे पास इधर इसके बन गए हैं और ले हो गए हैं। तो ये इसी तरीके से इसके मुख्तलिफ स्लोप्स वगैरह और ये सारा का सारा फॉर्मेट सेम टू सेम है। ये नीचे आप देख सकते हैं ये कट सेक्शन हैं उसके स्लोप्स वगैरह सारा कोई। तो ये आपने जस्ट वन क्लिक के अंदर आपने जस्ट उधर से आपने अपना स्टाइल को सिलेक्ट करना है किस स्टाइल के ऊपर आप अपना क्रॉस सेक्शन ड्रा करना चाहते हैं और उसके बाद आपने इधर से क्रिएट क्रॉस सेक्शन कर देने मल्टीपल व्यूज़ के ऊपर आने के बाद तो ये आपके
पूरे प्रोजेक्ट के पूरी आपके पास जो अलाइनमेंट होगी उसके क्रॉस सेक्शन इधर से ड्रा हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी तरीके से आप इधर से जूम कर लें थोड़े से क्रॉस सेक्शन को, तो आपके सामने ये क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, ये इसकी NSL लाइन है। आप इसको इधर से सिलेक्ट कर दें, राइट क्लिक माउस की मदद से करें तो ये आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। एडिट सेक्शन स्टाइल को आप इधर से सिलेक्ट करके इंटर करें तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ये लेयर स्टाइप वगैरह, आप इधर से लाइन स्टाइप को कोई भी लाइन डॉटेड लाइन को आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, डैश को इसी तरीके से इसका बाई लेयर वगैरह और इसकी थिकनेस वगैरह लाइन की आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप NSL लाइन की थिकनेस वगैरह को बढ़ाना चाहते हैं, उसका कलर्स वगैरह आप इधर से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, इसका सियान रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं, उसी तरीके से नीचे वाले भी ऑप्शन को आप इधर से उसकी लाइन और उसके कलर्स वगैरह को आप इधर से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अप्लाई करके ओके करें ये तो आप देखेंगे आपके सामने वही डैश लाइन आपके सामने आ जाएगी। ये पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर सेम टू सेम मल्टीपल क्रॉस सेक्शन के अंदर ये सब के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसके कलर्स, इसकी थिकनेस और इसका स्टाइल वगैरह इधर से चेंज कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन को आप इधर से सिलेक्ट कर दें, ऊपर स्टेशन व्यू प्रॉपर्टी है, सेकंड ऑप्शन एडिट क्रॉस सेक्शन व्यू, आप इसको इधर से क्लिक कर दें तो आप सबसे पहले ऊपर आपके पास इधर इंफॉर्मेशन, उसके बाद ग्राफ के अंदर आपको इधर से स्केल वगैरह नज़र आ रहा है, इधर से करंट हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल और इसी तरह नीचे कस्टम स्केल वगैरह, उसके बाद ग्रिड आ जाएंगे। आप इधर से ग्रिड को अनचेक करके अप्लाई करते हैं तो आप ये नीचे देखेंगे क्रॉस सेक्शन वाले कॉलम्स के अंदर ये इसके ग्राफ पेपर मुकम्मल कम्प्लीट हो गया। आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इसका नीचे से इसके टेक्स्ट वगैरह को भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं इसके इंटरवल्स वगैरह सारा कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आप अपने क्रॉस सेक्शन का इधर से थिकनेस वगैरह इसकी लेफ्ट राइट अप और डाउन जगह के ऊपर आप इसके डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आप आते हैं टाइटल एनोटेशन के ऊपर, तो आप सबसे पहले इधर आपके पास स्टाइल टेक्स्ट नज़र आएगा और साथ टेक्स्ट हाइट, तो आप हाइट इधर से चेंज कर सकते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं और इधर से मुख्तलिफ आप स्टाइल वगैरह टेक्स्ट के आप क्लिक करने के बाद ओपन अप्लाई कर सकते हैं। जौन सा भी आपको इधर से सूटेबल लगता है या जौन सा भी पसंद है आप इधर से उसका टेक्स्ट स्टाइल और इधर से टेक्स्ट हाइट वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसका कलर्स वगैरह इन्हीं जगहों से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास टॉप है, लेफ्ट राइट सेंटर, आप ये क्रॉस सेक्शन व्यू जिधर भी आप इसका आईडी वगैरह लिखना चाहते हैं वो आप इधर से इन कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएँ आपके पास टॉप बॉटम, बॉटम को आप क्लिक करेंगे इधर से तो आप देखेंगे आपके पास जो आईडी होगी वो क्रॉस सेक्शन के सेंटर में चली जाएगी। इसी तरीके से राइट साइड को आप क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आईडी है वो राइट साइड के ऊपर मूव हो जाएगी और इसी तरीके से आप इनकी वर्किंग वगैरह अपनी क्रॉस सेक्शन के प्लान के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरीके से जस्टिफिकेशन है, आप उसके टेक्स्ट के उसको आप बॉटम पे, सेंटर में, टॉप पे जिधर रखना चाहते हैं इधर से उसकी सेटिंग्स वगैरह को आप कर सकते हैं। इधर से मैनुअल रोटेशन भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं, 90 डिग्री के ऊपर है, 180 या 270 जितनी भी है तो आप इधर से उसको चेंज कर सकते हैं। ये आप पूरी वर्किंग अपनी इसी तरीके से करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये ऊपर आपके पास इंटरवल 10 मीटर का नज़र आ रहा है, आप इसको 5 करना चाहते हैं 5 कर दें। आप देख सकते हैं इधर आपके राइट साइड के ऊपर 0, 10, 20, 30 नज़र आ रहा है, आप 5 करना चाहते हैं 5 कर दें। मेजर डिस्टेंस और माइनर डिस्टेंस को 2.5 के ऊपर इधर सिलेक्ट कर दें और इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं आपके पास ऊपर ये इसके टिक्स वगैरह हैं, टिक्स वगैरह के डिस्टेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल एक्सेस के ऊपर आ जाएँ, 10 मीटर का एलिवेशन का डिस्टेंस है, आप इसको 5 मीटर भी कर सकते हैं और माइनर को 2.5 के ऊपर एडजस्ट कर दें और इधर से अप्लाई करें तो आप देखेंगे आपके सामने इसके ग्राफ पेपर और इधर से राइट साइड के ऊपर आपके जो इसके एलिवेशन वगैरह हैं वो 5 मीटर के ऊपर आ गए हैं। आप इसको 2 मीटर के ऊपर भी रख सकते हैं, 1 मीटर के ऊपर भी रख सकते हैं, जितना आपको क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आप अपना इधर से उसके ग्रेड एलिवेशन और उसका नीचे डिस्टेंस वगैरह आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं और एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। करने के बाद अप्लाई करके इधर से आप इसका साइड से व्यू देखेंगे, आप इधर से जो भी चेंजिंग करेंगे वो तमाम क्रॉस सेक्शन के ऊपर सेम टू सेम अप्लाई होएगा। तो इसी तरीके से इसकी ये मुख्तलिफ सेटिंग्स वगैरह हैं, आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके
उसकी सेटिंग वगैरह कर लें अपने सेक्शन को सामने रखते हुए। उसके बाद आप ग्राफ वाले कॉलम के अंदर दोबारा आ जाएं और अपने इस वर्टिकल जो आपके पास स्केल है आप इधर से उसको चेंज कर सकते हैं 0.5 का भी, आप इधर से करके आप उसको देख सकते हैं 0.5 का करेंगे स्केल छोटा हो जाएगा, इधर से आप 2 का करेंगे तो ये आपका ग्राफ पेपर वगैरह आपके जो सेटिंग है वो थोड़ी सी इसके अंदर बड़ी हो जाएगी। आपने इसका स्केल अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के हिसाब से इधर से एडजस्ट करना है, जो भी आपको इधर सूटेबल लगेगा, जो भी आप अपना बेहतर समझते हैं क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। आपके क्रॉस सेक्शन बाज़ूकात हिली एरिए के अंदर होते हैं तो बाज़ूकात प्लेन एरिए के अंदर, तो उसी हिसाब में आप अपने क्रॉस सेक्शन की सेटिंग वगैरह को इससे चेंज करने के बाद उसके ग्राफ के अंदर आने के बाद उसका स्केल वगैरह इधर से मज़ीद भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इधर डिस्प्ले, इधर से आपके मुख्तलिफ लेयर्स वगैरह हैं, आप उनके कलर्स वगैरह इधर से चेंज कर सकते हैं। लाइन की थिकनेस वगैरह सारी इधर से ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं, बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट हैं तो वो डिफ़ॉल्ट रहने दें। तो इसी तरीके से आप इधर से अप्लाई कर दें इसको और इधर से करने के बाद ओके कर दें तो ये आपके क्रॉस सेक्शन इधर से उसी तरीके से उसी फॉर्मेट के ऊपर जो आपने उसका ग्राफ पेपर और उसके वर्टिकल एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस और टेक्स्ट वगैरह जो एडजस्ट किया था पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर, वो सारा का सारा एक ही दफ़ा में इधर से अप्लाई हो जाएगा। आप क्रॉस सेक्शन को दोबारा आप सिलेक्ट कर दें और सेक्शन व्यू प्रॉपर्टी में आने के बाद पहला ऑप्शन सेक्शन व्यू प्रॉपर्टी को आप इधर से क्लिक कर दें तो ये आपके सामने इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह आ जाएंगे सारे। ये सिंगल क्रॉस सेक्शन के ऊपर यूज़ होएगा, ये आपकी एक ही आईडीज के ऊपर जो चेंजिंग करेंगे आपका एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर इसकी चेंजिंग वगैरह इधर से होएगी। ये इसके अंदर बैंड्स हैं, बैंड्स का मतलब है कि आप इसके अंदर एलिवेशन वगैरह नीचे डिस्टेंस और एलिवेशन वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं इसके अंदर से लगा सकते हैं। ईजी एग्जिस्टिंग ग्राउंड एलिवेशन वगैरह आप इसको लगा सकते हैं, इसको आप नीचे देखें तो ये आपके अंदर इसके अंदर फिनिश ग्राउंड एलिवेशन ईजी एलिवेशन, तो आप इधर से ईजी एलिवेशन को आप इधर से क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेक्शन डेटा ब्रांड स्टाइल ओपन हो जाएगा। इधर से आप इसके मुख्तलिफ सेटिंग्स इसके टेक्स्ट वगैरह की इसके टॉप बॉटम वर्थ वगैरह आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से लेस कलर वगैरह जो भी एलिवेशन आप नीचे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप ऐड वाले बटन को क्लिक कर दें तो आप देखेंगे नीचे आपके सामने इधर बैंड आ गया, आप इधर से उसको अप्लाई करेंगे तो ये नीचे आप क्रॉस सेक्शन के ऊपर राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि ये एग्जिस्टिंग एलिवेशन आपके सामने इधर नीचे शो हो गए हैं। आपने ये एक बैंड लगाया था, उस बैंड की मदद से जो आपके ऊपर एनएसएल की लाइन जा रही है उसके अगेंस्ट जो आपके ग्रिड्स एलिवेशन थे 5.5 मीटर के ऊपर हमने उसका डिस्टेंस तय किया था तो उसके सामने उसने उसके एलिवेशन दे दिए। इसी तरह एफजी एलिवेशन फिनिश ग्राउंड लेवल को आप इधर से ऐड कर दें, ऐड करने के बाद अप्लाई करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास नीचे प्रपोज एलिवेशन आ जाएंगे, ऊपर आपके पास एग्जिस्टिंग एलिवेशन हैं और नीचे प्रपोज एलिवेशन वगैरह वो सारे उसने दे दिए हैं। तो ये आप इसी तरह प्रॉपर्टी स्टाइल के अंदर जाके इसके बैंड्स वगैरह को मुख्तलिफ बैंड्स हैं उनको आप इधर से ऐड कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस वगैरह ऑफसेट वगैरह को, तो ये सारे के सारे आपने बैंड्स इसी तरह बना देने हैं नीचे अगर आप लगाना चाहते हैं क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं नीचे उसने उसके डिस्टेंस वगैरह भी दे दिए हैं। तो ये आप अपने क्रॉस सेक्शन के हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर मुख्तलिफ बैंड्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी सेटिंग वगैरह को आप बहुत आसानी के साथ इधर से कर सकते हैं। तो ये जो आपके बैंड्स की सेटिंग वगैरह होगी ये जस्ट वन क्रॉस सेक्शन के लिए होगी, तो आप इसी तरीके से अपने मुख्तलिफ बैंड्स इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो गैर ज़रूरी हैं उनको आप डिलीट कर दें इधर से, जो उनसे आप एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल लगाना चाहते हैं और प्रपोज लेवल लगाना चाहते हैं ऑफसेट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से इधर से उसको ऐड कर सकते हैं और जो गैर ज़रूरी हैं आप उसको इधर से अनचेक कर सकते हैं या इधर से साइड के ऊपर आपको क्रॉस वाला बटन नज़र आ रहा है आप इधर से उसको क्रॉस करके ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यह आप इसी तरह स्टेशन व्यू प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद बैंड्स वगैरह आप अपने लगा सकते हैं, लगा के बाद उनकी सेटिंग वगैरह मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप यही एलिवेशंस वगैरह डिस्टेंस वगैरह तमाम क्रॉस सेक्शन के ऊपर मल्टीपल क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएं। क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी के बाद आने के बाद आपने स्टेशन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज़ को क्लिक कर देना तो आप देखेंगे आपके सामने कंप्लीट क्रॉस सेक्शन वगैरह इधर आपके सारे आए हुए हैं और नीचे आपके पास उसकी सरफेस और कॉरिडोर वगैरह इधर लगे हुए हैं। तो आपने सबसे ऊपर आपके पास चेंज
बैंड सेट है, तो आपने इधर से इस कॉलम को थोड़ा सा खुला कर देना है, और खुला करने के बाद आपने उसके टॉप के ऊपर आपको इधर से आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने वही टैब बैंड्स वाली दोबारा ओपन हो जाएगी। इधर से आप फिनिश ग्राउंड लेवल या एक्सटिंग ग्राउंड लेवल जो भी आप इधर से करना चाहते हैं ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद इधर से अप्लाई करके ओके कर दें, तो ये आपके पास जो बैंड्स होंगे वो सारे के सारे क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपके पास एट ए टाइम सब क्रॉस सेक्शन के ऊपर वो लग जाएंगे। उसको अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद ओके कर दें, ओके करेंगे और उसके बाद देखेंगे तो ये आपके पास जितने क्रॉस सेक्शन इधर आपके प्रोफाइल व्यू के अंदर जितने बने थे क्रॉस सेक्शन सबके अंदर वो बैंड्स आपके लग चुके हैं। तो आपने इसी तरीके से जो भी बैंड आप ऐड करना चाहते हैं वो आप व्यू ग्रुप्स में जाने के बाद आप इधर से उसकी सेटिंग वगैरह को कर सकते हैं। अभी आप ऊपर देख रहे हैं हमारे पास इधर एलिवेशन वगैरह सेंटर का एलिवेशन नहीं है, और साइड स्लोप हमारे पास इधर -50% की आ रही है, और जैसे हम थोड़ी बहुत इसकी चेंजिंग्स वगैरह लगाने हैं तो वो हम इसके एलिवेशन सेंटर लाइन का एलिवेशन वगैरह को हम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आप इधर दोबारा साइड विंडो को प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएँ, और नीचे आपके पास सेटिंग वाला ऑप्शन है, सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपके पास ऊपर जनरल नज़र आएगा, जनरल वाले ऑप्शन को आप जिससे क्लिक कर मल्टीपर्पज स्टाइल आप इसका प्लस वाले ऑप्शन को आप इधर से क्लिक कर दें, और कोड साइड स्टाइल तो ये आप देखेंगे आपके सामने ऑल कोड्स आ जाएंगे। अभी आप क्रॉस सेक्शन के ऊपर अपने माउस के कर्सर को रखेंगे तो ये आपके सामने उसका स्टाइल कॉरिडोर स्टाइल बताएगा कि हमारे पास व्यू एडिट शेडिंग चल रहा है। तो इसी तरीके से ये ऑल कोड्स हैं, जो भी कोड्स आपने उधर अपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगाया होगा उसकी आपने प्रॉपर्टी के अंदर जाना है, और जाने के बाद उसको आपने क्लिक करके उधर से सेटिंग करनी है। तो ये आपने सबसे पहले इसका कोड्स वगैरह इधर से लाइन के ऊपर रखने के बाद इसको चेक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं व्यू एडिट विद शेडिंग हमारे पास इसका कोड लगा हुआ ऊपर, तो ये हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन है। तो ये इसी तरीके से आपने इसको इसे एडिट कर देना है, राइट क्लिक करने के बाद एडिट करेंगे तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन और कोड्स दो कॉलम नज़र आ जाएंगे। सबसे ऊपर लिंक्स है, इसके अंदर इसकी मुख्तलिफ डिटेल है जिसमें डिस्क्रिप्शन स्टाइल लेबल स्टाइल्स वगैरह है, इसके अंदर सेकंड नंबर के बारे में पॉइंट्स वगैरह है, पॉइंट्स के अंदर भी आपके पास सेम टू सेम इसी तरीके की डिस्क्रिप्शन है, और नीचे आपके पास शेप है, शेप के पूरी नीचे आपको इसकी डिटेल्स वगैरह नज़र आएगी। तो आपने इधर से सेकंड नंबर के ऊपर सबसे पहले आ जाना है पॉइंट्स के ऊपर, इसको आपने प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इधर से हमने सबसे पहले सेंटर लाइन की कि जो एलिवेशन वगैरह हैं उनको हमने जैसे चेंज करना है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्राउन आ रहा है, क्राउन के सामने हमारे पास लेबल स्टाइल जो इसका है इधर सामने, तो ये नाउन इधर आ रहा है, कुछ भी इधर सेलेक्ट नहीं है, तो आपने इधर कॉर्नर के ऊपर सेलेक्ट करना है, और इधर से व्यू एडिट को आपने जैसे सेलेक्ट करने के बाद इधर से आपने ओके कर देना है। ओके करके आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास क्रॉस सेक्शन के ऊपर सेंटर लाइन का उसका एलिवेशन और डिस्टेंस इधर आ गया। आप इसी तरीके से ये भी आपके जितने क्रॉस सेक्शन होंगे मल्टीपल क्रॉस सेक्शन सारे क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये अप्लाई हो चुका होगा, तो आपके सारे क्रॉस सेक्शन के ऊपर सेंटर लाइन का लेवल पहले नहीं आ रहा था आ जाएगा। उसी तरह आपने दोबारा व्यू एडिट शेड के ऊपर आना है, तो ये पॉइंट्स के ऊपर हमने क्राउन के ऊपर इसकी व्यू एडिट किया था आपने इसको बंद कर देना, और ऊपर लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर आपने इधर से प्लस वाले ऑप्शन को आपने इधर से सेलेक्ट करना है। तो आप नीचे देखेंगे कि डे लाइट फिल के ऊपर आपके पास इधर व्यू एडिट सेक्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है, आपने इधर से स्टेप ग्रेड को सिलेक्ट करके इधर से ओके कर देना है, और इसी तरीके से आप इधर से अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे साइड के ऊपर आपके पास -2% की स्लोप इधर से इसने शो कर दी। इसी तरीके से ऊपर कट वाले सेक्शन के अंदर भी आपने स्टेप ग्रेड्स को आपने इधर से सिलेक्ट कर देना है ताकि आपका कट और फिल जो दोनों क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर ये चेंज हो जाए। उसके बाद आपने इधर से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इसको ओके कर देना है, तो ये आप देखेंगे आपके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे इधर से उनके स्लोप्स वगैरह सारी चेंज हो गई है। पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर कट सेक्शन के ऊपर भी आप आते हैं तो आप देखते हैं जो स्लोप हमने उधर 2-in-1 की दी हुई थी दोनों साइडों के ऊपर, तो वो सेम टू सेम सारी के सारी इधर से स्लोप्स वगैरह सारी चेंज हो गई हैं। तो इसी तरीके से आप अपना क्रॉस सेक्शन सिविल 3D के अंदर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताया है बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक कि आप इसको सबसे पहले आपने इसके अंदर प्लान पॉइंट्स को इम्पोर्ट करना है, उसके बाद आपने इसकी टिन जनरेट करनी है, उसके बाद अलाइनमेंट लगानी है। अलाइनमेंट लगाने के बाद हमने उसकी सर्विस प्रोफाइल को ड्रा किया, ड्रा करने के बाद हमने उसी के ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल को ड्रा किया, उसके बाद उसकी असेंबली बनाई, असेंबली बनाने के बाद कॉरिडोर, और उसके बाद सैंपल लाइंस, और उसके बाद क्रॉस सेक्शंस को हमने पूरे तरीके से इस वीडियो के अंदर ड्रा करने का तरीका
सीखा और बताया। तो ये इसी तरीके से ये आप अपनी सारी वर्किंग इस वीडियो की मदद से देख के कर सकते हैं। अपना सिविल 3D के अंदर आपने क्रॉस सेक्शन कैसे बनाने हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है। अगर आप अलग-अलग चीज़ों को आप देखना चाहते हैं, आप प्रोफाइल असेंबली और उसके अलाइनमेंट्स वगैरह, पॉइंट डिस्क्रिप्शन और कंटूरिंग वगैरह, उसकी वीडियोस मुकम्मल तौर पे मैंने अलग-अलग बना के अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल की वीडियो के टैब के अंदर क्लिक कर दें और प्लेलिस्ट सिविल 3D को आप उधर से चेक कर लें और उसके हिसाब से अपना काम कर लें। उम्मीद है करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।